नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है, उसका टाइटल जी अनलिमिटेड फूड बफे इन 160 रुपीज स्ट्रीट फूड इंडिया लग्जरी इन चीप। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। ऑफिशियल सही है, इनके चैनल का नाम है, लाजमी सपोर्ट करें इनको और बिल्कुल सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और हमारे हमें भी सपोर्ट करें, लाइक ठोको। बिल्कुल, मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं और इसे अगली बार सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओह वाओ, फूडी फूडी हो रहा है भाई। आज की वीडियो में ना आपको आने वाला बहुत मजा क्या है, आपके भाई ने ढूंढ निकाली एक जगह देखो पहले तो पीछे बढ़िया लग्जरी माहौल है और लग्जरी है भाई बजट में। बजट कितने में? 160 रुपए में अनलिमिटेड जितना मर्जी खाओ। अब आएगा क्या क्या, ढेर सारे स्नैक्स, चेक करो सामने लोग खड़े खा रहे हैं। वाओ, और ये यहाँ का मेन्यू है, ये यहाँ के ऑनर साहब है। सर क्या हाल है जी? थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। नाम क्या सर आपका? सर मेरा नाम चंदन। सर मेरे को कहीं कंफ्यूजन हो रही है, बफे का प्राइस बताना एक बार आप। सर 159 में भाई 6 स्नैक्स, 5 मेन कोर्स, बाकी 4-5 तरह की चपाती। सर क्या बात, मतलब महंगाई नहीं पहुंची या क्वालिटी में दिक्कत है कोई? मैं सॉरी आपको क्वालिटी का क्वेश्चन किया, क्योंकि 159 में चीज इतनी कैसे? सर दिखा देते हैं आपको भी सारा, सर आपके सामने बनेगा। तो ये सामने ही बफे लगा हुआ है यार, पर ये तो बाद में दिखाते हैं भाजी, पहले क्वालिटी दिखाओ। क्वालिटी देख लो आज। तो ये आ गया जी किचन एरिया, वाह बड़ा सारा किचन है। पिज्जा और पिज्जा वाले जो भाजी है ये हनी सिंह के रैप से भी तेज पिज्जा बना रहे हैं। ये वेज ग्रेवी का बेस तैयार हो रहा है भाई, इसी के अंदर सारी ग्रेवियां बनेगी। सारी नहीं, कुछ ग्रेवी इसमें ये और ये चाप फ्राई। और पाजी मैं पहली बार ऐसे किचन में लेके आया हूँ। सामने बन रहा तो खुल के दिखाना, देख लो ये क्या बन रहा है। चाउमीन, तो यार नीट एंड क्लीन सामने किचन है। बाकी आप आगे देखो, पिज्जे दिखाता हूँ आपको कैसे लगते हैं। ये आगे जी पिज्जा पास्ता सॉस बढ़िया से पिज्जा पे फैलाई जा रही है। सर ऐसा तो नहीं कि वीडियो में आप पिज्जा बढ़िया बनवा रहे हो बाद में अकेला चीज बना दो? कस्टमर आते हैं सर, रेगुलर ही आते हैं सर। पिज्जा पहले दस से आया, तुझे कितना दस के आया, मतलब जो है ऐसा ही मिलेगा ना? इतना ही है भाई, इतना ही। वाह, तो भाई ऑन कैमरा जो दिखा रहा हूँ ना यही मिलेगा बफे में 160 में। आप देख रहे हो ना ये वाला पिज्जा भी मिलना है जिसके ऊपर कॉर्न्स आ गए, प्याज आ गए, ये आ गए जी ग्रीन कैप्सिकम। और भाजी स्वाद भी दिखाते हैं ना यहाँ का स्वाद भी दिखाते हैं। तो यार यहाँ तो हम पिज्जा को बाय बोल रहे हैं, पर बाहर जाके हाय बोलेंगे क्योंकि मिलेगा वहीं पे अपने को। बिल्कुल, तो भाई किचन पूरी दिखा दी, क्वालिटी दिखा दी। क्वालिटी भी तो है अगर स्वाद हो, तो स्वाद कैसे पता लगेगा? खाके आओ खाते हैं। तो ये भाई प्लेट है, यहाँ की व्हाइट प्लेट्स होती है, यहाँ पे ब्लैक प्लेट है। शुरुआत करते पहले आइटम से, यहाँ पे ना भाई सरप्राइज है, ऊपर नाम नहीं लिखे हुए, बड़ा बड़ा लिखा हुआ फूड वेस्टेज 400 रुपए। ये आओ पहला संदूक खोलते हो भाई, इसमें है चाउमीन, बढ़िया बढ़िया नूडल्स है। ये तो खाने अपने ही पायो, अब इसको डालते हैं। ये ठीक ही है वैसे, कारोबारी तरीके से भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, लुक वैसे भी ठीक है कि भाई प्लेट कैसे बनानी है। पर जो भी नए नए भाई आएंगे अपने चैनल पे उनको दिखाते हैं भाई, देखो कैसे बनती है प्लेट। ये है जी, अब आगे इधर देखो प्लेट में, बाद में ये देखो पहले। ये है जी मंचूरियन, इसको लेते हैं ऐसे। चिकन मंचूरियन चिकन नहीं है, चिकन मुझे लग रहा है, चिकन बॉल, चिकन नहीं है। बढ़िया से अब ये नेक्स्ट चीज जो आई है ना वो आई है भाई पिंक सॉस पास्ता। आइटम ज्यादा है, स्पेस कम है, तो इसको हल्का सा ना साइड पे डाल देते हैं। ये ना आजकल तंदूरी जो चाप है बहुत पसंद किया जाता है, बहुत लोग इसके दीवाने हैं। बफेज में मिलने की मुश्किल है क्योंकि मार्केट में भाई कितने पूरी चाप तो 160-170 रुपए की भाई चिकन है, की प्लेट आती चिकन है। बट यहाँ पे 160 रुपए मिल रही है, चिकन मंचूरियन है ना, वो चिकन बॉल है, खा के लेट जाओ। वाह भाई ये है एकदम गोरे, हाय 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 जबरदस्त यार। लेकिन धनिया पाक है मेरा जायका है, लेकिन दाल मखनी और ऊपर भाजी, दाल मखनी, दाल का मैं फैन नहीं हूँ। बार ये स्पेशल नहीं डली भाई, ये है ये यहाँ पे क्रीम कैमरे के लिए आपने डलवा दी भाई, क्रीम और डाल दो। ये बढ़िया सी दाल पास्ता भी आ गया, नूडल भी आ गए, मंचूरियन भी आ गए, चाप भी आ गई है। पर ये ऐसे भुक्कड़ भी आते हैं कि सारा एक ही बार में डालना जी। अच्छा तो पाजी का कहना है जो मेरे जैसे आ रहे हैं ना एक ही बार में भर लो भाई, लपेट लो, उनके लिए लिखवाया लपेटो नहीं, आराम आराम से खाओ, मेरे को तो सब दिखाना है तो मैं लपेट रहा हूँ। ये है जी पनीर, पाजी सुनना ले मैं आपको बताता हूँ, यही पैसे पूरे करवाएगी इस पर भाई, टूट पड़ना जितना टूट सकते हो।
पर यहाँ पे अजीब है, वैसे नॉर्मल बफेस में हम बोलते हैं पनीर खाओ पैसे पूरे करो, पर यहाँ पे भाई चाप खा लो पैसे पूरे, 170-180 की क्या खा लो, 150 रुपए का काट पे मिलता है पैसे तब भी पूरे, ज्यादा पैसे पूरे हो जाएंगे। आ गया तो भाई ये है तवा चाप, वाह, रोटी टेबल पे, पिज्जा टेबल पे, तो हम काहे खड़े हैं, आओ टेबल पे, प्लेट आ गई है, तवा चाप, कढ़ाई पनीर, दाल, नूडल, मंचूरियन, पास्ता, एम्बियंस देख लो, मतलब यहाँ पे बैठ के ना बढ़िया गर्मी में ठंडे ठंडे एसी में गरमा गरम खाना खाना, कितने में, अब ना अपने शहर में 160 में ऐसे बढ़िया एम्बियंस के अंदर ऐसा खाना मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड, एक बार, दो बार, चार बार, 100 बार जितनी बड़ी मर्जी डाल लो। अब ये सारा सामान पिज्जा ले आए भाजी, पिज्जा दे दो सर, अब ये देखो जी, तो भाई एक पीस ले लो चाहे पूरी, ऐसे पूरी भी रख सकते हैं ना, अगर चार दोस्त बैठे हो पूरी भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये वाला पिज्जा भी है, पिज्जा लेते हैं एक भाई, ये ले जाओ भैया, पिज्जे से करते हैं भाई शुरुआत, आओ बढ़िया कड़क पिज्जा, अच्छा रोस्ट हुआ, अच्छा बढ़िया बना हुआ है, खा ले भाई मेरी तरह आपके मुंह में पानी आ रहा है, भाजी गेम कैसे खेल रहे हैं, जिसको पिज्जा पसंद है, पिज्जा है स्वाद, एक दो चार बंदा वही खा लेगा पीस, पेट भर जाएगा, रोटी क्यों खाएगा, कैम में मत फंसना भाई, सब कुछ खाना, पिज्जा स्वाद है। ये आ जाओ स्नैक्स पे भाई, ये है चाउमीन भाई, भूख लगी आपको, नो डाउट, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लगी है, बहुत ज्यादा भूख पीछे जी, चाउमीन है, देखने में अच्छी वाली क्वालिटी लग रही है, खाने में देखते क्वालिटी कैसी है भाई, जब किचन के अंदर एंटर हुए थे ना सबसे पहली चीज चाउमीन दिखाई गई, जो मतलब टॉसिंग दिख रही थी मेरे को, उसमें मेरे को पता लग रहा था भाई चीज ठीक होगी, चीज बढ़िया है, स्वाद है। नेक्स्ट आओ ये मंचूरियन, सुंदर सा बढ़िया लाल मंचूरियन, ये थोड़ा सख्त लौंडे जैसा ना, जैसे सख्त लौंडे होते ना, ऐसा थोड़ा सख्त है, सॉफ्ट कम है पर स्वाद है। ये है भाई पास्ता, इतने बफेस कवर कर लिए ना, कभी पास्ता से खुश एक आधी बार छोड़ के मैं हुआ नहीं, क्योंकि लोग ना सूखा सूखा पास्ता देते हैं यार, वो ये वाला पास्ता देते हैं कैसा है, बढ़िया ग्रेवी वाला पास्ता है, अभी मैंने तो ना हॉच पॉच किया सारा तीनों काम, अब अकेला अकेला खाओगे ना पास्ता का फ्लेवर बढ़िया है। रेड्स वाले भैया खड़े पीछे पास्ता लेके दिखाओ भी है। इसमें ये भी करना चाहिए। बटर नान, ये मिस्सी रोटी है, पक्की बात है, को भाई लच्छा परांठा बोलते हैं ये क्या भैया, मिस्सी रोटी यार, ये लच्छा, ये चपाती कहाँ है, ये रही जी सिंपल चपाती, तो हम करते हैं मिस्सी रोटी, ये मिस्सी रोटी है, स्टार्ट करते ही दाल, ओह माय गॉड, बढ़िया गाड़ी है, क्रीम व्रीम डली हुई है और मसाले पूरे जबरदस्त, पता लग जाएगा कि भाई ढाबे पे रेस्टोरेंट वाली दाल खा रहे हो। ये बाइट छोटी पता क्यों कर ली है, क्योंकि भाई पूरा खत्म करना है, 100 रुपए एक्स्ट्रा देनी है, देखो बढ़िया कढ़ाई पनीर वरना 100 रुपए पड़ जाएगा पनीर की क्वालिटी अलग आट वाली है, बढ़िया सॉफ्ट पनीर है। अब या तो ये मल्टीपल राउंड में फूड बना रहे हैं तो इसकी वजह से फ्लेवर ठीक आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर बफे में एक ही बार बना देते हैं और पूरा दिन भाई भंडारे के जैसे ना चलाते रहते हैं, पर वो हिसाब नहीं है यहाँ पे, ये भी हो सकता है, बार बार लॉट्स में खाना बन रहा है। अब आ गया हो जी वेज भाइयों का चिकन, मतलब चाप, ये यार वेज ज्यादा है सारा, ये भी कमाल है, पर पनीर ना भाई जबरदस्त वाला, आ गया हो ये तंदूरी चाप, ये क्या ऐसी हुई है जैसे नॉर्मल हर जगह मिलती है यार, देखो 160 दे रहे हो, चावल नहीं लिए, राजमा नहीं लिए, वेज भी नहीं लिए हमने, तो जगह है नहीं, 3 आइटम रह गई, आप आके वो भी खा लेना और उसका रिव्यू कमेंट्स में दे देना कि भाई ऐसी थी, क्योंकि जो भाई देख रहे हैं उनको भी तो बताना कैसी थी, तो आप भी बता देना कमेंट करके, और भाई लोकेशन अभी बाहर चल के हम भी बता देंगे, नहीं तो पाजी बता देंगे, सुन लेना क्योंकि ये मिस करना नहीं बनता। जिन्होंने लाइक किया ना उनके लिए पिज्जा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भाई मेहनत ही है, कर लो यार, हमारी भी मेहनत ही है, कर लें बिल्कुल। और बाकी हमने ये देखा बहुत साफ सुथरा माहौल था, यकीन करें इतने साफ सुथरे माहौल में एसी वाले मतलब रेस्टोरेंट में और इतनी चीज़ों के साथ, अगर यहाँ पे आ लोग खाने आएंगे, तो हमने पिछले व्लॉग में अपलोड किया था तो वो हमने बताया था कि एक आलू कीमे की प्लेट थी, थोड़ा सा आलू कीमा था, एक दाल थी एक प्लेट, उसके अलावा दो कबाब थे चिकन के, और ये चीजें थी, और ये 1200 रुपया बिल बना था, और जो आप लोगों ने देखा था ना पकोड़े और समोसे वो लेता से हमने अलग थे। और ये 1200 रुपये में हमें ये सारा कुछ मिला था, और साथ रोटियां जो भी हैं और सलाद वगैरह भी, दो ड्रिंक्स भी थी, लेकिन फिर भी 1200 रुपया बना।
यहाँ पे 160 रुपए में इतना कुछ मिल रहा है, पिज्जा भी है साथ, मतलब जितना बंदा खा सकता है उस हिसाब से खाएं आप। लेकिन अगर उन्होंने ये भी एक तरीका ठीक किया है कि जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जाया करेगा, उसको 100 रुपए अलग देना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा तरीका है ये, क्योंकि जबान इंसान की ललचाती रहती है लेकिन पेट जो होता है वो भरा होता है, और वही सीन है, वो सारा डाल लेते हैं। मैं नहीं, ये किसी और ने डाला था, याद है मैंने मना भी किया था। मैंने भी मना किया था, वो उधर शादी पे गए थे जेलम, मैंने भी मना किया था। और उसने क्या किया, उसने इतनी प्लेट सी ना अपनी बारली शादी पे, जैसे पता नहीं सदियों का भूखा आया है, ठीक है। हमने थोड़ा थोड़ा डाला और हम खा रहे थे, उसने इतनी प्लेट भरी हुई थी सामने रखी हुई, और दो चार नवाले लगाए, दो चार बोटियां उठा के खाई, कबाब खाया, बाकी प्लेट जितनी भी थी बैठ के सोचने लग गया अब इसका क्या करूं। मतलब उसे खाने नहीं हो रहा था, बस प्लेट बार ली। उसको ये था कि दोबारा किसी ने देनी नहीं है, या पता नहीं पहली दफा वो शादी किसी पे गया था ऐसे रेस्टोरेंट में, या शायद उसको पहली दफा मिली थी, उसको लगा शायद या खत्म हो जाएगी, और या हो सकता है उसने ये सोचा हो या कभी क्या हो तो उसको दोबारा मिली ना हो, या तो या बाहर ही खड़ा रहा हो। हाँ, तो ऐसा कोई सीन हुआ होगा, लेकिन वो उसने मतलब खत्म नहीं की तो वो जाया हो गया था, वो ना किसी और ने मतलब किसी और के काम आया। तो मुझे कह रहा था ना खा लो कि वो, मैं कैसे कहूं, हमने खा लिया था सारा। बिल्कुल वहां पे तो यही बनता था ना, उनको कहते शादी पे गए हुए थे, उनको कहते पैक कर दो हम कर लेंगे। जिनकी शादी में गए थे वो भी काफी अच्छा दोस्त भाई का दोस्त था, उसके थ्रू हमारा दोस्त भी बन गया इनके थ्रू। और ये है कि वो उससे मैं कह रहा था, मैंने कहा इधर आओ भाई ये पैक हो जाएगा। तो मुझे कह रहा है किसने डाला है, मैंने कहा जनाब इन जनाब ने डाला है। मैंने नहीं, वो दूसरा था कोई, मतलब जनाब वो मतलब साथ बैठा हुआ था ना वो। हाँ। उस वक्त अली भाई की बात नहीं कर रहा, बाकी ये कह रहा हूँ कि ये उधर 160 रुपए में मिलता है, यहाँ पे जो है ना वो बहुत महंगा है। यही खाना अगर इतना खाना अगर पाकिस्तान में हो तो कम से कम 3 से 3 हजार रुपया पक्का है इसका, 2500 से 3 हजार, क्योंकि सिटिंग वगैरह रेस्टोरेंट के हिसाब से 3000 2500 ना, मतलब इतना जरूर हो नॉर्मल बन जाएगा। लेकिन इंडिया में 160 रुपए मिल रहा है मजे आप लोगों के। और एक और बात मुझे बताइएगा, ये नॉन वेज ही है ना सारा, मुझे तो नॉन वेज लग रहा था क्योंकि वो सारा सब्जियों का लग रहा था, लेकिन जो मतलब चांपू वगैरह का नाम आया, मंचूरियन का नाम आया, तो वहां पे वेज नॉन वेज का भी आता है जिक्र, मुझे वेज लग रहा था सारा, सॉरी मुझे वेज लग रहा था सारा, लेकिन जब इन चीजों का नाम आता है तो नॉन वेज भी लगता है, तो देखने में सेम ही लगता है, तो इसलिए हमें कंफ्यूजन है। और आप लोग हमें बताइएगा जरूर कि ये नॉन वेज है या वेज था सारा। मुझे तो लग रहा है कि वो इसको लग रहा है नॉन वेज था, ओ सॉरी नॉन वेज था, मुझे लग रहा है वेज था, तो आप लोग कन्फर्म कर दीजिएगा। और बाकी ये है कि उन्होंने क्योंकि मेंशन भी किया कि वेज भाइयों के लिए ये खाना बहुत अच्छा है, वेज भाइयों के लिए, अभी देखें, अभी उन्होंने जिक्र भी किया लेकिन कन्फर्म उन्होंने नहीं बताया सही से, लेकिन देख के अच्छा लगा, साफ सुथरा काम था, सफाई वाला काम था, बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ था, नजर आ रहा था वो सारा कुछ, और मजे हैं आप लोगों के, जाएं लाजमी खाएं आप लोग भी। हम भाई बीच में पूछ रहे थे भूख तो नहीं लग रही ये, और भाई मेरे देख के तो एक बार दिमाग खराब होता है, और फूड ही नो डाउट, और ऊपर से रोजा रखा हो तो फिर ज्यादा वो मतलब वो चीज तंग करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और बंदा फूड ही हो और इस तरह की चीजें सामने आए, एक डिफरेंट माहौल में आपको साफ सुथरा माहौल मिल रहा हो और कम प्राइस में मिल रहा हो, और वहाँ पे सर्विस ऑनर जो है उसको चेक कर लें आप, के पाजी ने उसको रोका नहीं है टोका नहीं है, आ जाए जी अंदर आप देख लें, साफ सुथरा निज़ाम है। ये वो लोग अक्सर रोकते हैं जिनकी रेसिपी जो होती है वो एक किस्म का उन्होंने सीक्रेट रखी होती है, गंद डाला होता है या फिर वहाँ पे गंद होता है और किचन का निज़ाम साफ नहीं होता। लेकिन मुझे जैसे बाहर से माहौल लग रहा था, जैसे वो दरवाजे में एंटर होने लगे तो मुझे पता चल गया था अंदर साफ सुथरा होगा माहौल, और वही चीज़ हुई, अंदर बिल्कुल साफ सुथरा माहौल था, जैसे बाहर नजर आ रहा था वैसे ही अंदर नजर आ रहा था, 19-20 की फर्क नजर आ रहा था अंदर बाहर। जाहिर है वो किचन है, किचन में थोड़ा बहुत तो होता ही है, इतना होता है और 19-20 का नजर आ रहा था, लेकिन यह कि बड़ी शांति भरा माहौल था, और जनाब जिस तरह की चेयर सेटिंग उन्होंने की हुई है वहाँ पे सेटअप हुआ पड़ा है, वो बंदा बैठा हो कम्फर्टेबल होगा बिल्कुल, और ईज वे जनाब अपनी मील को इंजॉय करेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपका सिटिंग एरिया अच्छा हो और उसके बाद खाना आप जो खा रहे हैं उसको इंजॉय करें। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, अच्छा ब्लॉग क्रिएट किया, इनके बोलने का स्टाइल अच्छा था। इनके वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी, और जिस चैनल पे ये वीडियो चल रही है उसे भी सपोर्ट कर दें प्लीज़, लाइक ठोको और शेयर करें जितना हो सके, और आप शेयर करेंगे तो हमारी कुछ मदद इमदाद हो जाएगी, गरीब मुल्क से हैं
नहीं नहीं सॉरी, अमीर मुल्क से हम, क्योंकि अमीर खाना, अमीर बंदे हैं ना तो ज्यादा महंगा खाना खाते हैं। नीचे कमर कुछ लोग करते हैं यार, बहरहाल ये आप खुद कंपेरिजन कर ले और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।